बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे दानेदार फलियां, यानी कि रवां की फलियां। आजकल मार्केट में आ चुकी हैं और ये बनती हैं जनाब बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो मेरे पास रवां की फलियाँ हैं, ठीक है। हमारे घर में तो माशाल्लाह 1.5 से 2 किलो बनती हैं, तो ये सिस्टर अपने घर पे पकाने के लिए लेके आई थी, तो मैंने उसे कहा कि लाओ आज मैं तुम्हारे घर के खाने से रेसिपी बना लूँ, ठीक है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। गैस के ऊपर रखी है हमने कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप से भी कम कुकिंग ऑयल। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल, ठीक है। ऑयल में वो डाल दिए, इनके ऊपर अब आपने गोल्डन कलर नहीं आने देना, जस्ट आपने इसको सौते करना है, आपने इसको सॉफ्ट करना है, ठीक है। और वीडियो देखते देखते चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहा करें। अगर कोई सवाल करना चाहें कुकिंग से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही प्याज हमने सौते कर लिए, आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और इनको भी आपने जस्ट मिक्स करना है। यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे। अब इसमें हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें जाएगा नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम आप यहाँ पे हाई रखेंगे। चलें जी अच्छी तरह से मसाला मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को हम भून लेंगे और जैसे ही मसाला भून जाए, इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर देनी है। और इसके बाद इसके अंदर हम जो हमारे पास फलियां हैं वो हम शामिल कर देंगे। फलियों को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी और रेत टाइप चीज़ें लगी होती हैं। किसी भी सब्ज़ी को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके यूज़ करना होता है, ठीक है। चलें जी इसके अंदर हमने फलियाँ शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इसके साथ साथ बाकी इसमें क्या करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, ठीक है। चलें जी मिक्स करना है, इसको आपने भूनना नहीं है सब्ज़ी को, ठीक है। जस्ट आपने मसाले के अंदर मिक्स करना है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 कप पानी का, ठीक हो गया, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये लें जी 1/2 कप पानी शामिल कर दिया। अगेन इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चलें जी मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हल्का सा ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकने देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ये लें जनाब 15 से 20 मिनट हो गए और यहाँ भी हमारी कढ़ाई भी चेंज हो गई है, ठीक है। दूसरी मैंने कढ़ाई के अंदर इसको शिफ्ट कर लिया है और पानी ड्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं चम्मच हिलाती रही थी और ये देखें जनाब बहुत ज़बरदस्त आपकी जो रवां की दानेदार फलियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इसके अंदर आपने किसी भी टाइप का गरम मसाला शामिल नहीं करना, ज़ीरा भी नहीं, काली मिर्च भी नहीं, खुश्क धनिया पाउडर भी नहीं, जस्ट इसमें हरी मिर्चें डलती हैं, ठीक है। और ये कुछ हरे धनिए की पत्तियां मैंने जस्ट इसके अंदर जो आपको इसकी एक गार्निशिंग एक डेकोरेशन नज़र आए जस्ट इसलिए डाली है, अदरवाइज इसके अंदर हरा धनिया भी नहीं जाता, ठीक है। तो जनाब इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।